नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज युग। मैं मिताली सोनी। कानून और नियमों का पाठ पढ़ाने वाले पुलिस कर्मियों ने शराब के नशे में धुत होकर अपने औहदे का ऐसा खेल खेला कि बर्बरता की सारी हदें पार हो गई। शनिवार को देर रात सदर थाना पुलिस के ASI लूनाराम, हेड कांस्टेबल घमंडाराम समेत एक अन्य पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में धुत होकर सिविल वर्दी और सिविल ही गाड़ी में जाकर गुंडागर्दी का ऐसा खेल खेला कि बेकसूर तीन लोगों के साथ बर्बरता की हदें पार हो गई। शहर के कैलाश इंटरनेशनल होटल के पीछे जिप्सम से भरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, तभी सिविल गाड़ी सिविल वर्दी में आए पुलिसकर्मी गाड़ी चालक खलासी को पकड़कर मारपीट की तानाशाही की। हद तो तब हो गई जब बीच बचाव में आई ट्रक के ड्राइवर की पत्नी को भी पुलिसकर्मियों ने नहीं छोड़ा और उसके बाद तीन युवकों को पुलिसकर्मियों ने उठाकर सदर थाना हवालात में डाल दिया और पूरी रात उनके साथ मारपीट की। सुबह जब उनके परिजन थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने उनसे माफी मांगकर मामला निपटाने को कहा, लेकिन उनके परिजन नहीं माने और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। साथ ही आरोपियों को सस्पेंड करने की मांग भी की। जब ये मामला SP शिवराज मीना तक पहुंचा तो SP ने तीनों को लाइन हाजिर किया, लेकिन सिर्फ लाइन हाजिर ही इस जुर्म की सजा नहीं है। पुलिस की बदनामी के इस मामले को लेकर SP शिवराज मीना गंभीर नजर आए। सर, मेरे हस्बैंड के साथ भी मारपीट हुई है, गाड़ी पे वो त्रिपाल कर रहे थे तब तक वो पुलिस वाले हेड कांस्टेबल वगैरह लूनाराम घमंडाराम जी हमारे घर पे आए, मारपीट की और वहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब को भी खींच के वगैरह रोड पे घसीटा वगैरह और अन्य रिश्तेदारों को भी के भी साथ में मारपीट की थी। और मैं और मेरा देवर साहब ये भी पढ़ रहे थे तब तक इस पे वो पुलिस वाले सब अंदर आए और तब मैंने बोला कि हुआ क्या है, आप कौन हो क्या हो, तो हम पुलिस वाले, मैंने कहा आपकी वर्दी भी नहीं लगाई हुई, हमारे को क्या पता कि आप पुलिस वाले हो, तो उन्होंने बोला आप किसी को लेकर आ जाओ, क्या पता क्या हो, हम तो पुलिस वाले ही है, तेरे क्या करना, तो हम पुलिस वाले नहीं है तो क्या गुंडा गस्ती वाले है क्या, वो ऐसे बोल के धमकी दे रहे थे मेरे साथ और मेरे हस्बैंड वगैरह को, सबको तो खींच के बाहर ले गए पड़ोस से सबको, पुलिस आई थी, पुलिस वाले ने भी उन्होंने इनको ले गए और पीटने की पीटा पीटी की और उसको उसने बोला कि हम गुंडे हैं और कुछ है, आपको किसी को फोन लगाना है फोन लगाओ, जिसको लगाना है जिसको बुलाना है वो बुला के लेके आओ उनको, और बच्चे हैं मेरे घर पे वो भी चिल्लाने लगे थे तो भी किसी ने दया नहीं की थी, और 7-10-12 लोग अन्य लोग थे वो दरवाजे पे इकटे हुए थे और 2 पुलिस वाले थे वो मेरे को पीट रहे थे और जोर जोर से और धमकियां भी दे रहे थे, किसी को बताए तो जान से मार देंगे तुझे, अभी हम वापस आ रहे, दरवाजा खुला रखना घर का वगैरह कि हम अभी वापस आ रहे, और तेरे हस्बैंड को तो हम खत्म ही कर दिया है, ऐसे ऐसे धमकियां लगा रहे थे और चिल्ला ज़्यादा चिल्लाए ना तो हम आपको मार देंगे, घर के अंदर घुस के उन्होंने ऐसा किया है और उसके नशे में लोग धुत थे सभी, कहीं गुंडे दौड़ाया झोंकना पड़ा दिन सिद्धांत भाई नरसे बड़े मारे दो पड्डे। जानकारी व खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज युग। नमस्कार।